हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम फिर से आ गए हैं आर्क सर्वाइवल की करुण वीडियो में। तो गाइज आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दंजन, और आज ब्लिट्ज वीक का दूसरा दंजन है। तो गाइज आज दूसरा वाला दंजन करेंगे हम लोग। और गाइज आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज चलिए फिर चलते हैं अपने टेक टेलीपोर्टर से दंजन के अंदर, और यहाँ पे एक्सेस करते हैं दंजन हमारा। और ये रहा दंजन, दी डैम्प वर्क से मीडियम डिफिकल्टी पे है दंजन, और इसमें लूट में है टेक टेलीपोर्टर और टेक का स्लीपिंग पॉड है, और कंपाउंड बुक का ब्लू प्रिंट है इस बार, और टेक बूट्स। इसमें ये वाला दंजन 5 मंथ पहले आया था, तब उसमें कंपाउंड बुक की जगह पे कोई तो वो है गिली का बूट था इसमें ब्लूप्रिंट में, इस बार कंपाउंड वो कर दिया है। तो गाइस चलते हैं इस वाले दंजन में और देखते हैं कैसा है दंजन हमारा ये आज का। भाई ये स्वैम्प वाला दंजन है भाई, यहाँ पे कितना ज़्यादा लैग हो रहा है। और इधर ये सामने डोर भाई साहब, यहीं पे है डोर हमारा, हमको पीछे की साइड जाना पड़ेगा की लाने, और फिर ये डोर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रूम है भाई, डोडो आने वाले इसमें, और स्पीड कम हो गया हमारा भाई। इतने सारे डोडो आ गए, इतने सारे नहीं आए हैं, केवल 3 भाई आए हैं, 4-5 तो आए हैं। इनको क्लियर करते हैं जल्दी से। और मैं एरो इस बार कम लाया हूँ, केवल 100 एरो के आसपास हैं, कम ना पड़ जाए एरो। देखते हैं, जब 5 टोटो थे 5 एरो बर्बाद हुए, मतलब 3 थ्रेट होगा, 3 या 4 थ्रेट तो 20 या 15 एरो लगेंगे। और यहाँ पे ये भी गया, ये गया, इधर 3 टो और हैं, ये भी निपट गया, और ये भी क्लियर। और अब अगले थ्रेट, और ये रहा फिर से आ गए, इनको जल्दी से क्लियर करते हैं। वैसे ये कंपाउंड बॉस तो एक ही एक एरो में निपट रहे हैं, हेडशॉट पड़ रहा है इनको, नहीं तो स्वाड से होता तो 4-5 स्वाड मारनी पड़ती। भाई साहब कहाँ गए, अभी इनकमिंग थ्रेट फिर से लास्ट थ्रेट है शायद, ये इधर आ गए, इसको क्लियर करते हैं। एक गया, और ये यहाँ पे दूसरा भी गया, और तीसरा, ये चौथा, ये कहाँ पर अटका हुआ है, ये भी निपट गया। हमारा रूम इजी क्लियर हो गया यहाँ पे 2 मिनट में। ओके, ये फालतू के चेस्ट जो होते हैं ये मैं ओपन नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। पिछला वीडियो कितना 25 या 26 मिनट का बन गया था, तो इस बार केवल मेन मेन चेस्ट ओपन करेंगे, क्योंकि ये वाले दंजन तो हम पहले भी कर चुके हैं, उस वाले वीडियो में सारे दंजन कम्प्लीट किए थे ब्लिट्स वीक में। तो जो पुराने वाले होते हैं वही आते हैं दोबारा, तो इसमें केवल टेक वाली चीज़ें ओपन करते हैं और की वगैरह वाले चेस्ट। और ये रहा चेस्ट, इसमें हमको मिल चुकी है फैसिलिटी की यहाँ पे। और गाइस हाँ, टेक वाला सामान लेने के लिए हमको जाना पड़ेगा और आगे इस साइड से, और यहाँ पे कहीं पे तो मैंने देखा था वॉल ट्रैप भी था यहीं पे, वहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें अगर घुस गया तो खेल ख़त्म कर देगा हमारा। और इधर है शायद वॉल ट्रैप, यहीं पे मैंने देखा था मैप में, हाँ यहाँ पे है। ये देखो भाई, चुपके से बैठा था, अभी आया, ये स्लो वाला है मेरे को लग रहा है, ये बहुत देर में आता है, थोड़ा वेट कर लेते हैं और फिर चलते हैं, इसको पार करते हैं। भाई आ जा, कितनी देर लगाएगा अभी, ये पता नहीं कब आएगा, ये आ गया, चलते हैं जल्दी से, ये दोबारा ना आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई वॉल्टर दोबारा आ जाते हैं तुरंत, उससे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और यहाँ पे इस चेस्ट माइंड वाइप टॉनिक, भाई माइंड वाइप टॉनिक मिला यहीं पे, तो टेक वाला चेस्ट था, मैंने देखा था मैप में। टेक वाला चेस्ट किधर है, इधर है शायद, ये नहीं हुआ तो मैं टेक वाला चेस्ट ओपन ही नहीं करूँगा, सीधे चलेंगे अपने डोर की तरफ। प्रिमेटिव ग्ली बूट्स भाई, यहाँ पे ये वाला था, ये क्या बोलते हैं, टेक का सामान था यहाँ पर, टेक की
चेस्ट थी। टेक की चेस्ट में से एक गिली बूट्स दे रहे हैं भाई साहब। टेक की चेस्ट में गिली बूट्स दिए और वहाँ पे था कंपाउंड, वो था गिली बूट्स तो टेक में दिखा ही नहीं रहा था भाई। आर्क वालों के सस्ते नशे चल रहे हैं भाई, कुछ और दिखाते वहाँ पे। ए भाई यहाँ पर मैं बच गया, बच गया, अगर आ जाता तो मेरा काम खत्म हो जाता भाई। उसमें दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और ही हैं भाई साहब। ये वाला फिक्स नहीं कर पा रहे हैं आर्क वाले। कोई नहीं, चलते हैं अब अपने डोर की तरफ। और इधर की ये फालतू चेस्ट है, इनमें कुछ मिलता वगैरह है नहीं, केवल एमओ मेडिकल ब्रीड दो दो देते रहते हैं बस। और अब वापस डायरेक्ट, और ये वाला था डोडो वाला रूम, यहाँ से टोटो वाला रूम था। और इधर से चलते हैं आगे, और ये रहा हमारा डोर सामने ही, इसको ओपन करते हैं। और ये हो चुका ओपन, और सामने है रूम भाई। इसमें इगुआना डॉन आने वाले हैं, और आर्मर आपका शायद थोड़ा कम काम करने का। इसमें लिखा है आर्मर इफेक्टिवनेस रिड्यूस्ड भाई साहब। मतलब नो आर्मर का होता तो एक फटका मारता तो थोड़े तो मतलब 20% तो हेल्थ डाउन ही कर देता है, इगुआना डॉन है तो। इसको क्लियर करते हैं जल्दी से, मैं कितने रो खाएगा। मर जा, मर गया, ये निपट गया, एक एरो में ये निपटा। हेडशॉट मारना पड़ेगा तभी ये एक एरो में निपटेंगे। ये पानी भी ख़त्म हो रहा है मेरा। ये एक गया, दूसरा गया, और इधर है तीसरा, ये नहीं गया। ये दो एरो में लगा इसके भाई, 91 के वाला एरो बचे हैं हमारे पास, और कम ना पड़े एरो बस यही। अगर कम पड़ गए तो शॉट गन तो है ही है हमारी, मतलब शॉट गन से इतनी जल्दी इनको नहीं मार पाएंगे, लेकिन शॉट गन भी मर जाएंगे आराम से शॉट गन से भाई। कहाँ गया, ये भी निपट गया। अगली थ्रीट, अगली थ्रीट किस साइड आ रही है, ये आ गया फिर से। इनको क्लियर करते हैं, एक गया, दूसरा गया, ये इसको दो एरो लगे, और ये भी निपट गया। हमारा रूम यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब चलते हैं आगे हमको। ए मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस साइड से नहीं जाना है, इधर से जाना है हमको। ये सामने और कोई ट्रैप तो नहीं है, मैं डर रहा हूँ यहाँ पे बहुत तगड़े से भाई। वॉल टैप एकदम से आ जाते हैं, और यहाँ पे है लावा जंप है। इसके बाद मेरे को लगता है टेक स्ट्रक्चर की चेस्ट है। मैंने मैप वगैरह देखा था, उसमें टेक स्ट्रक्चर की चेस्ट थी यहाँ पे। टेक स्ट्रक्चर की चेस्ट ले लेते हैं, लेकिन हमको तो कोई काम वगैरह नहीं है, केवल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले रहा हूँ ये वाला टेक स्ट्रक्चर का चेस्ट यहाँ पे भाई साहब। यहाँ पे इधर इधर है, इधर तो आके लगा नहीं हमारे। फिर से चलते हैं, टेक विंडो मिला यहाँ पे हमको, टेक स्ट्रक्चर की चेस्ट में विंडो मिल गया है। बढ़िया है, विंडो मिल गया। यहाँ पे चिटिन की लेगिंग्स वगैरह मिल गई। अब वापस चलते हैं भाई। भाई भाई यहाँ पे मैं गिरने वाला था भाई, पानी भी ख़त्म हो रहा है, पानी ख़त्म हो गया हमारी बॉटल में, पानी ख़त्म। अब अगर पानी नहीं मिला तो वो बंदा वो आ करेगा पानी के लिए, वो आ करता रहता है ये भाई। चलते हैं इधर से आगे। हाँ यहाँ पे सामने पानी है, बहुत ही बढ़िया, जैसे पानी ख़त्म हो वैसे मिल गया यहाँ पे पानी हमको। यहाँ पे पहले बॉटल वगैरह फुल करते हैं, बॉटल भी फुल हो गया। आप चलते हैं वापस, वापस मतलब आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। यहाँ पे ये मकड़ी का जाला में स्पीड कम हो जाती है हमारी। और यहाँ पे ये है बीजल बफो वाला रूम है, यहाँ पे बीजल बफो आने वाले हैं इस रूम में, अगर आप सर्वर पे कर रहे हो ये वाला रूम, ठीक है। और अगर आपका दोस्त भी है साथ में तो साथ में इस रूम में मत आना, नहीं तो ये बीजल बफो ख़त्म ही नहीं होगा, आपको मारता ही रहेगा। तो
तो आपको निपटा ही देगा, ये ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं लेगा, मतलब रिस्पॉन होता रहेगा बार बार अगर दो लोग साथ में आ जाते हो इस रूम में। ये ग्लिच हो जाता है रूम अगर दो लोग साथ में आते हैं तो, आते ही रहेंगे, थ्री टावर को क्लियर ही नहीं होगा। तो भाई इसीलिए अकेले अकेले आओ और आराम से, दो ठो आते हैं आराम से क्लियर कर दोगे। और यह भी निपट गया हमारा रूम यहाँ पे क्लियर। और अब चलते हैं आके इस साइड से, यहाँ से हमको जाना है आगे। और ये है आर्थोप्लोरा वाला रूम, भाई साहब इसमें आर्थोप्लोरा आने वाले। और मेरा टॉर्पर भाई, टॉर्पर ना बढ़ जाए, ये आर्थोप्लोरा आ गया, थूक रहा है भाई, भागो इधर से, आर्मर तोड़ देगा ये। आर्मर बहुत ज़्यादा ही मतलब तगड़े से तोड़ता है ये आर्थोप्लोरा, मतलब घटिया होता है भाई, मेटल का आर्मर बहुत तगड़े से तोड़ता है, मेटल का सामान भी तोड़ देता है पीवीपी में। और मेटल का जो है ये फ्लैक आर्मर है ये भी तोड़ देता है बहुत तगड़े से। और मतलब हेल्थ आर्मर आपका काम ही नहीं करेगा इसके आगे, मतलब आप चाहे आर्मर पहन गया हो चाहे ना आर्मर पहनो, आपको डैमेज उतना ही पड़ेगा। और ये फिर से आ गया भाई, 18,000 हेल्थ है इसकी, निपट गया। और यहाँ पे हमारा रूम क्लियर भी हो गया है, बहुत ही बढ़िया। और अब यहाँ पे है बॉस रूम, भाई ट्रैप तो नहीं है, नहीं ट्रैप नहीं है कोई भी। अब चलते हैं अपने बॉस रूम में। और कल हमने डंजन कंप्लीट किया था तो वीकली डंजन ऑन कर लिया था, हाँ आज नहीं है अवेलेबल क्योंकि वीक में एक ही बार अवेलेबल होता है वीकली डंजन, तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा इस बार का डंजन। और यहाँ पे डोडो बॉस है, डोडो बॉस इजी भाई साहब, डोडो बॉस वो तो 2 मिनट का काम है, डोडो बॉस को निपटाना। यहाँ पे आ जाने कहाँ गए, इधर है भाई साहब, इसके अंदर मैं घुस जाता हूँ जल्दी से। भाई इधर आओ आप अपने किस, अरे मैं भाई टॉर पर चढ़ गया भाई, बीजल बापू इतना टॉर पर देती थे, हट भाई, भाई साहब मैं मर गया भाई तुरंत, खेल ख़त्म हो गया हमारा। बीजल बापू क्या यार टॉर्पर दिए थे, अट यार स्पॉन लेते हैं फिर से आते हैं दंगजन, फिर और क्या ही कर सकते हैं हम। तो गाइस हम दोबारा आ गए हैं दंगजन, और यहाँ पे मैंने कोई भी टेक वगैरह सामान लूटा वगैरह नहीं है, केवल मैं जल्दी से एक की लिया और डोर खोला और आ गया फिर से। अब एंटर करते हैं वॉशरूम में, आप कुछ ना हो तो ठीक है, नहीं तो पिछली बार क्या हुआ, एक ही बार में निपटा दिया भाई टोडो ने हमको। और यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं इसके अंदर, वही जल्दी से घुस जाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे आगे ही खड़ा था इसलिए टोडो ने टपका दिया, नहीं तो भाई वैसे टपका नहीं पाता ये। और इसको जल्दी से अब क्लियर करते हैं, भाई इतनी ज़्यादा हेल्थ थी इसकी, 1 लाख भाई, 1,12,000। और इसको जल्दी से क्लियर कर देते हैं, इसके हेड पे मारेंगे तो हेडशॉट पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही डैमेज बढ़ता है, 6-7 हज़ार का डैमेज बढ़ जाता है इसके हेड पे मारने से। भाई कहाँ पे, भाई कहाँ पे उलर रहा है भाई, भाई क्या ही इधर उधर उलर रहा है भाई, छोटे छोटे डोडो को पड़ रहा है, इसको पड़ ही नहीं रहा है, वो फिर से स्टन कर रहा है, ये स्टन कर दिया इसने भाई, वो अंडे देखो भाई मार रहा है ये भाई, अभी भी 62,000 हेल्थ है इसका, नहीं तो पिछली बार इतने टाइम में क्लियर हो गया था ये, 29,000 बचा, 20,000 मतलब एक बार में देखो 9,000 हेल्थ कम हुआ इसका हेड पे मारने से इसके। भाई ये छोटे छोटे टोटो परेशान कर रहा है नीचे से मार गए, भाई रुक जाओ वो भाई गया, ये बॉस हो गया। ए भाई ये देखो, ये देखो, ये भाई अलग ही इसके नशे हैं भाई, अलग ही मार रहा है ये कहाँ, ये भी गया। और इधर हैं 3-4, तो इधर बहुत सारे हैं, इनको क्लियर करते हैं। और हाँ गाइस इस वाले डंजन में मतलब आप अगर डोडो को जल्दी नहीं क्लियर करोगे तो ग्लिच हो जाता है, तो मतलब ये छोटे छोटे डोडो मिलते ही नहीं हैं,
और आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और ऑटोमेटिक आप मर जाते हो यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया डंजन, और हमको एलिमेंट कितने मिले, 40 एलिमेंट मिले हैं। अगर वीकली डंजन होता तो कितने, 65 एलिमेंट मिलते, 65 एलिमेंट मिल जाते वैसे हमको। तो गाइस आज हमने ये वाला डंजन भी कंप्लीट कर लिया। तो गाइस फिर ये वाला वीडियो यहीं पिंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।